हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फिशरी, जिसमें हमने फिश को डिस्कस किया कि फिश को कैसे मैनेज करते हैं कि, और उसमें डिस्कस किया था हमने कि फ्रेश वाटर फिश कौन कौन सी होती है, ठीक है, और फिश क्या क्या खाती है वगैरह वगैरह। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आया था हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, यानी कौन कौन से जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको हम रियर कर सकते हैं, जैसे काउ, बफेलो, गोट, शीप एंड हैं, ठीक है। काउ, बफेलो और गोट को आप अगर रियर कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम डेयरी, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं ये। उसके बाद शीप वाला आ जाएगा वूल इंडस्ट्री में, और हैन वाला आ जाएगा आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर, क्लियर। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो काउ की वैरायटी, बफेलो की वैरायटी, गोट की वैरायटी और शीप की वैरायटी। कम से कम आपको 2 वैरायटी है उसमें वो याद रखनी है। तो यहाँ तक अपना डिस्कस हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा आज कोरल एंड कोरल रीफ्स, ठीक है, कोरल एंड कोरल रीफ्स। तो ध्यान से देखिएगा, 163 पर है, 163 पर। तो आपको याद होगा मैंने 9th के अंदर एक क्लासिफिकेशन कराया था, ठीक है, जिसमें एनिमेलिया ग्रुप था। एनिमेलिया ग्रुप के अंदर मैंने पहले बताया था 5 ग्रुप होते हैं। आरएच व्हिटेकर एक साइंटिस्ट था, उसने क्लासिफाई किया था जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, जिसमें उन्होंने 5 टाइप्स बताए थे। कौन कौन से, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। ये इसने 5 ग्रुप्स के अंदर इसको क्लासिफाई कर दिया था जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, ठीक है। तो जब हम एनिमेलिया को डिस्कस करते हैं, इसको एनिमेलिया जिसमें कौन आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो एनिमेलिया के अंदर भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं। जैसे कि बात करें पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। आप थोड़ा बहुत याद नहीं है तो एक बार वो चैप्टर खोल के देख लेना, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि इनको हमने डिवाइड किया था, क्लियर। तो इसमें से एक ग्रुप होता है, उसका नाम होता है सिलेंटेटा। क्या नाम है? सिलेंटेटा ग्रुप। तो सिलेंटेटा ग्रुप के जो आपके मेंबर होते हैं, यानी जो ऑर्गेनिज्म सिलेंटेटा ग्रुप के अंदर आते हैं, वो क्या करते हैं, एक कोरल रीफ को सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? कोरल रीफ को सीक्रेट करते हैं। तो उसी को हमको पढ़ना है। देखिए, पेज नंबर 163, कोरल एंड कोरल रीफ्स। सिंगल और क्लोनिया ऑर्गेनिज्म, सिंगल और क्लोनिया मतलब जो अपनी कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू सिलेंटेटा ग्रुप। क्या नाम है इसका? सिलेंटेटा। स्पेलिंग आप यहां से देख लेना, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पर, सिलेंटेटा, सिलेंटेटा, ठीक है। जो जो मेंबर है या जो ऑर्गेनिज्म है वो सिलेंटेटा ग्रुप में आते हैं। तो सिंगल और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू सिलेंटेटा ग्रुप रिलीज ए स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रिलीज करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन रिलीज करते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्केलेटन है या स्केलेटन है वो किससे बना हुआ होता है, तो आपको बताना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, CaCO3, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्केलेटन सिस्टम यानी कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं, और उस कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्केलेटन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरल। क्या बोलेंगे? कोरल बोलेंगे, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट वो रिलीज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कोरल, CaCO3, क्लियर। अब ये लगातार अगर बहुत सारे ऐसे कोरल होंगे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, कोरल। तो बहुत सारी ऐसी कोरल होगी, और कोरल की क्या बन जाती है, आपस में जुड़ जुड़ के क्या बन जाएंगे, कंबाइन होकर के क्या बन जाएगी, रॉक्स बन जाएगी, यानी कि चट्टाने बन जाएगी। जब चट्टाने बन जाएगी इस कोरल की, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, कोरल रीफ्स। क्या बोल देंगे इसको? कोरल रीफ्स। जब चट्टाने बन जाएगी तो इसी को हम क्या बोल देंगे, कोरल रीफ्स। तो देखिए, सिंगल और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू सिलेंटेटा ग्रुप रिलीज ए स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड कोरल। मोस्ट ऑफ द कोरल्स आर रिलीज्ड बाय एंथ्रोजोआ ग्रुप ऑर्गेनिज्म। अब ये एंथ्रोजोआ ग्रुप क्या होता है, ये मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, आपके लेवल इतना नहीं है, ठीक है। तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और सीधा याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है एंथ्रोजोआ ग्रुप वगैरह, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखिए लाइम स्टोन, जैसे कि चूने की चट्टाने होती है, चूने के जैसे चट्टाने होती है जो जहाँ से अपने मार्बल वगैरह निकलता है ना, तो उस तरह की चट्टाने बन जाती है, उन चट्टान को हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स। तो लाइम स्टोन लाइक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई द सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मीन्स होता है जमना, जब आप नीचे जम जाती है समुद्र के अंदर, क्योंकि सिलेंटेटा वो कहाँ रहता है, समुद्र के अंदर रहता है, कहाँ रहता है, समुद्र के अंदर रहता है सिलेंटेटा, तो समुद्र के अंदर लगातार वो कोरल बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, तो ये आपस में कोरल, एक कोरल इसमें बनाया दूसरा कोरल उसमें बनाएगा, तो ये आपस में कंबाइन होते जाएंगे, कंबाइन होकर के क्या बन जाएगी, बहुत सारी बड़ी चट्टान बन जाएगी, उस चट्टान को क्या बोल देंगे, कोरल रीफ्स। तो लाइम स्टोन लाइक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंटेशन रीफ्स, रीफ्स मींस होता है चट्टान, ठीक है। रीफ्स ऑफ कोरल कॉलोनीज इन द सी आर कॉल्ड कोरल रीफ्स, पूरी लाइन अंडरलाइन कर लेना कि कोरल रीफ की डेफिनेशन क्या है, कोरल रीफ क्या होती है, अगर आपसे पूछे तो ये आपको बताना है। लाइमस्टोन लाइक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंटेशन रीफ्स ऑफ कोरल कॉलोनीज इन द सी आर कॉल्ड कोरल रीफ्स, तो ये होती है कोरल रीफ। क्लियर, सिंपल सही है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं यहाँ पर। फिर आओ पर्ल कल्चर, पर्ल कल्चर बस जो मोती बनाते हैं, ठीक है। अब इसी का जो एनिमल्स है उसी के अंदर ये ग्रुप और आता है मोलस्क का, अगर आपको याद हो, ठीक है। पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीस, एस्केलमिंथीस, आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, 8 नंबर पर आता है मोलस्का। तो मोलस्का के ग्रुप के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, पर्ल बनाते हैं, यानी कि मोती बनाते हैं। देखिएगा कैसे, काफी इंटरेस्टिंग होता है ये पर्ल कल्चर। पहले आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म ऑफ मोलस्का, ठीक है, लिखा हुआ मोलस्का, हिंदी में इसको यूं बोलते हैं मोलस्का, ठीक है, मोलस्का। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोलस्का ग्रुप आर वेरी इंपॉर्टेंट बाई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मोती वगैरह क्या होते हैं, महंगे होते हैं, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक के हिसाब से। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स कॉमर्शियल यूज, अब ये जो मोती वगैरह है वो कहाँ पर यूज आते हैं, कॉमर्शियल यूज आते हैं, जैसे गहने वगैरह जो आर्टिफिशियल जो गहने बनते हैं उसमें, या जो आपके शो पीस बनते हैं डिजाइन वगैरह के अंदर, उनमें काम आते हैं मोती वगैरह, है ना, तो कॉमर्शियल यूज के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका मोलस्का का। इट्स प्रोवाइड्स बटन, ठीक है, क्या क्या बताते हैं, क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें, बटन, ठीक है, जो बटन होते हैं वो भी कहाँ से बनते हैं, मोलस्का ही बनाते हैं, बटन, पर्ल यानी कि मोती, एंड क्लेम शेल, क्लेम शेल को कुछ में लिखा होता है ग्रेपल, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेपल। जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम के अंदर देखो ये मोती दिख रहा है, और मोती के चारों तरफ एक कवच है, ठीक है, एक पाउच है ना, उस पाउच को हम क्या बोलते हैं, क्लेम शेल। तो कुछ जो शो पीस होते हैं या जो कॉमर्शियल जो कंपनियां होती है, जो इंडस्ट्री होती है, वो इन क्लेम शेल का भी क्या करती है, यूज करती है, ठीक है, तो क्लेम शेल भी हमें क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्लेम शेल किसका बना होता है, तो वही सेम बात, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना होता है। तो मिलियन टन्स ऑफ सेल्स ऑफ मोलस्का आर यूज्ड एवरी ईयर। प्रीसियस, प्रीसियस मींस कीमती, प्रीसियस एंड वैल्यूएबल पर्ल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्ल ऑयस्टर। अब ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो मोलस्का के अंदर आता है, उसका नाम होता है ऑयस्टर, क्या नाम है, ऑयस्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं सीपी, ठीक है, अगर आपने कुछ सुना हो सीपी, सीपी अगर कोई जैसे गोवा वगैरह इधर कोई गया हो, ठीक है, जो समुद्र वाला इलाका होता है, सी वाला इलाका होता है, तो वहां पर यहाँ बोलते हैं सीपी, ठीक है, तो ये समुद्र के अंदर रहते हैं सीपी, और ये क्या बनाते हैं, मोती बनाते हैं। अब मोती कैसे बनता है वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखिए। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रियरिंग पर्ल ऑयस्टर एंड प्रिपेयरिंग पर्ल फ्रॉम देम इज कॉल्ड पर्ल कल्चर। अब एक तो ये नेचुरली बनाते हैं, ठीक है, नेचुरली बनाते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब इनको क्या कर रहे हैं, हमारे पता चल गया कि भाई ये मोती तो हमारे काम का है, तो काम का है, तो हम क्या करेंगे, इसको लगातार ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पर्ल कल्चर। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रियरिंग पर्ल ऑयस्टर एंड प्रिपेयरिंग पर्ल फ्रॉम देम इज कॉल्ड पर्ल कल्चर। पर्ल इज कंसिडर एज ए वैल्यूएबल स्टोन, ये लाइन आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पर्ल कल्चर, ठीक है, कि पर्ल कल्चर की डेफिनेशन क्या होती है। दे आर कॉमनली व्हाइट, अब ये कैसे होते हैं पर्ल, कैसे होते हैं, कॉमनली व्हाइट, शाइनी एंड स्फेरिकल, गोल होते हैं, एकदम मोती कैसा होता है, एकदम गोल होता है ना, तो कैसा होता है, व्हाइट होता है, शाइनी होता है, और स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल विच आर कैप्ट बाई ऑयस्टर अंडर द शेल
फॉर देयर ओन सेफ्टी। अब ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, क्या लिखा हुआ देखिए, स्फेरिकल विच आर केप्ट बाई ऑयस्टर अंडर देयर सेल फॉर देयर ओन सेफ्टी। एक्चुअली में होता क्या है देखिए, यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। जैसे मान लीजिए ये ऑयस्टर है, ऑयस्टर मीन्स उस ऑर्गेनिज्म का नेम है ऑयस्टर, ठीक है, जो मोलस्का के मोलस्का ग्रुप का मेंबर है। तो मान लीजिए ये कुछ ऐसा ऑयस्टर है जिसकी एक्चुअली में कोई शेप होती नहीं है, मान लीजिए इस टाइप का कुछ है, ठीक है, ऑयस्टर। अब ये समुद्र के अंदर क्या हो रहा है, लगातार फ्लो हो रहा है, समुद्र के अंदर लगातार तैर रहा है, तो तैर रहा है, तो इसके अंदर क्या है, कुछ फॉरेन पार्टिकल है वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, कुछ फॉरेन पार्टिकल है वो इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। अब जैसे ये फॉरेन पार्टिकल है वो इसके अंदर जाएंगे तो इसको तो क्या लगेगा भाई, ये मेरे लिए क्या है, हार्मफुल है, जो फॉरेन पार्टिकल मेरे अंदर आए हैं वो क्या है, मेरे लिए हार्मफुल है ना, तो हार्मफुल है, तो ये क्या करेगा, इन फॉरेन पार्टिकल्स से अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने को बचाने के लिए, इन फॉरेन पार्टिकल के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की क्या करेगा, लेयर को सीक्रेट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। तो मान लीजिए फॉरेन पार्टिकल तो इतना सही था, उसके चारों तरफ इसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को सीक्रेट करता गया, सीक्रेट करता गया, सीक्रेट करता गया। तो ये आप लाइफ में चलकर हमें क्या दिखेगा कि ये क्या बन गया, ये बन गया पल, क्या बन गया, ये पल मोती बन गया, है ना। तो इस तरह से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसने तो अपने डिफेंस के अंदर ये बनाया, लेकिन हमें लगा भाई हमारे लिए कैसा है, कीमती है, ठीक है, इसके लिए तो ये फालतू चीज है, इसके लिए तो ये फालतू है, वेस्ट है, कोई काम का नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, ये काम का हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर मोती का फॉर्मेशन होता है, पर्ल का फॉर्मेशन होता है। दिस टेक्निक वॉज इनिशियली डेवलप्ड इन जापान। सबसे पहले ये जो पर्ल कल्चर है वो किसने स्टार्ट किया था, जापान ने स्टार्ट किया था, क्योंकि जापान के आसपास क्या है, समुद्र है, ठीक है, तो जापान में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था। अब देखो द लिंगा पर्ल, अब एक मोती का नाम होता है पर्ल का नाम होता है लिंगा, ठीक है, जो काफी फेमस होता है लिंगा पर्ल, यानी काफी प्रीशियस है या काफी वैल्यूबल होता है लिंगा पर्ल। द लिंगा पर्ल इज कंसीडर्ड बेस्ट पर्ल, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सी ऑयस्टर। वो किससे मिलता है, जो समुद्र वाला ऑयस्टर होता है, सी सीपी, समुद्र की सीपी होती है, सी ऑयस्टर, उससे मिलता है। द पर्ल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर आर कंसीडर्ड एज ए लेस वैल्यूबल, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, मोर वैल्यूबल होता है, और मोर वैल्यूबल कहां से मिलता है हमें, सी की जो ऑयस्टर होती है, जो समुद्र के अंदर जो ऑयस्टर रहता है वहां से मिलता है, तो फ्रेश वाटर वाले क्या होंगे, लेस वैल्यूबल होंगे, ठीक है, कम वैल्यूबल होते हैं। तो ये हो गया पर्ल कल्चर। अब ये तो हो गए कुछ एनिमल्स, ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ एनिमल्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के हिसाब से। तो देखिए अदर यूज ऑफ एनिमल्स, द अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स सॉरी ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूडिंग हनी वैक्स फाइबर एंड लैक आर एस फॉलो। सबसे पहले आता है कलर, कलर के अंदर कुछ इंसेक्ट होते हैं जिससे हम क्या निकालते हैं, उसकी बॉडी से आप कलर निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ इंसेक्ट होते हैं जिसकी बॉडी से आप क्या निकाल सकते हैं, कलर निकाल सकते हैं, उस कलर का हम यूज भी करते हैं। देखिए कलर, द बॉडीज ऑफ सम इंसेक्ट्स विच लिव ऑन कैक्टस, ठीक है, विच लिव ऑन कैक्टस, कैक्टस का जो प्लांट आता है ना, ठीक है, आपने देखा होगा कैक्टस का प्लांट, तो कैक्टस के प्लांट के ऊपर वो क्या करते हैं, लीफ, आपके कैक्टस के प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, वो लीव करते हैं, यानी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे छोटे 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 इंसेक्ट होते हैं जो कहां पर रहते हैं, तो बोलेंगे कैक्टस के प्लांट के ऊपर रहते हैं, जब ये डेड हो जाते हैं, ठीक है। कैक्टस आर यूज्ड आफ्टर ड्राइंग टू ऑब्टेन कलर्स। अब इनको क्या कर लो आप, जो ये इंसेक्ट है, छोटे छोटे इंसेक्ट है जो कैक्टस के प्लांट के ऊपर है, इनको क्या कर लो, ड्राई करो, ठीक है, जब ये मर जाएंगे तो इनको क्या करो, ड्राई करो, और ड्राई करते ये पाउडर बन जाएंगे, पाउडर बनेगा तो आप उसको अगर हाथ लगाओगे तो आपके हाथ के ऊपर क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा, जिस कलर का वो इंसेक्ट होगा, मान लीजिए रेड कलर का इंसेक्ट है तो आपके हाथ में कौन सा पाउडर लग जाएगा, रेड कलर का पाउडर लग जाएगा। तो द बॉडीज ऑफ सम इंसेक्ट विच लिव ऑन कैक्टस आर यूज्ड आफ्टर ड्राइंग टू ऑब्टेन कलर्स। अब इनके इंसेक्ट के नाम क्या क्या, देखो इंसेक्ट का नाम है, एक तो है टैनिन, क्या नाम है, टैनिन, ठीक है, इंसेक्ट का नाम है ये टैनिन, ध्यान रखिएगा, टैनिन एंड कोकिनियल, कोकिनियल ये इंसेक्ट के नेम है, टैनिन एंड कोकिनियल। तो टैनिन एंड कोकिनियल आर यूज्ड फॉर कलर्स, दीज कलर्स आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है, कलर्स का। तो इंसेक्ट के नाम पूछे तो क्या है, टैनिन एंड कोकिनियल, कहां पर रहते हैं, तो बोलेंगे कैक्टस के प्लांट के ऊपर रहते हैं,
क्लियर, इतना ध्यान में रखना आपको। फिर सेकंड आता है स्केवेंजर। स्केवेंजर मतलब जो आपके मरे हुए को खाता है उसको बोलते हैं हम स्केवेंजर, ठीक है, जो किसको खाए, मरे हुए को खाता है उसको क्या बोलेंगे, स्केवेंजर, मरे हुए को खाना, ठीक है, स्केवेंजर। तो सम इंसेक्ट्स ईट द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्रिवेंट द एनवायरनमेंट फ्रॉम रोटेन स्मेल। अब आपने जैसे मैंने पीछे क्लास में बताया था ना कि आप एक बॉडी को लो और बॉडी को जमीन के अंदर डाल दो, ठीक है, और ऊपर क्या डाल दो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, तो कुछ समय के बाद आओगे तो क्या आपको बॉडी वैसी की वैसी मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा आपको, केवल उसका स्केलेटन मिलेगा, क्या मिलेगा, स्केलेटन मिलेगा, बाकी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो वो बॉडी कहाँ गई, तो उस बॉडी को क्या किया, जो स्मॉल जो इंसेक्ट है, जो स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे केंचुआ है, ठीक है, कॉकरोच है, तो उन सब ने क्या कर लिया, उसको खा लिया, है ना। तो एक तरह से हमारे लिए क्या है, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कौन, जो स्मॉल इंसेक्ट है, क्लियर। तो स्केवेंजर, सम इंसेक्ट्स ईट द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्रिवेंट द एनवायरमेंट फ्रॉम रोटेन स्मेल, दे एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये तो एक बॉडी है, तो पूरी दुनिया में कितनी बॉडी जमीन के अंदर डाल जाती है, अगर वो सारी की सारी ऐसी ही पड़ी रहती, ठीक है, ये लोग इनको नहीं खाते तो क्या होता, बहुत सारी क्या हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए काफी होते हैं क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, बॉडी को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड स्केवेंजर। फॉर एग्जाम्पल टर्माइट, टर्माइट मीन्स दीमक, जो दीमक होती है ना वो भी क्या करती है, बॉडी को भी खाती है, ठीक है, या कुछ भी जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी मर गया है, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या करेगी, खा लेगी। तो ये उनका फूड होता है, दीमक यानी टर्माइट एंड कॉकरोच, क्लियर। तो ये हो गए स्केवेंजर। थर्ड नंबर पर आता है मेडिसिनल यूज। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका यूज होता है मेडिसिन के फॉर्म के अंदर। पीछे जो हमने पढ़े वो तो प्लांट्स के फॉर्म थे, कि प्लांट्स का यूज कैसे मेडिसिन के फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका भी हम यूज मेडिसिन के फॉर्म के अंदर करते हैं। देखिए कौन कौन से, सम इंसेक्ट आर यूज टू गेट मेडिसिन फ्रॉम देम। एक मेडिसिन होती है, उसका नाम होता है कैंथ्रेडिन। क्या नाम है, कैंथ्रेडिन, कैंथ्रेडिन, ठीक है, कैंथ्रेडिन मेडिसिन है ये किसका नाम है, मेडिसिन का नाम है, ठीक है। कैंथ्रेडिन क्या है, एक मेडिसिन का नाम है, एक केमिकल्स है, मेडिसिन के फॉर्म के अंदर यूज आता है वो। तो कैंथ्रेडिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट ब्लिस्टर बेटल्स, ठीक है, जो ब्लिस्टर बेटल है ये क्या है, किसका नाम है, तो बोलेंगे इंसेक्ट का नाम है, ब्लिस्टर बेटल्स, ठीक है, ब्लिस्टर बेटल ये इंसेक्ट का नेम है और ये केमिकल यानी मेडिसिन का नेम है। तो ब्लिस्टर बेटल से ये निकलता है कौन, कैंथ्रेडिन निकलता है। तो कैंथ्रेडिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट ब्लिस्टर बेटल्स, इट प्रिवेंट्स द फॉलिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है, जो क्या करता है, हेयर फॉल को कम करता है। फिर द वैक्स ऑब्टेन्ड बाय हनीबीज इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। जो वैक्स जो हनीबी से निकलता है, यानी जो बीहाइव से जो वैक्स भी निकलता है, उस वैक्स का यूज करते हैं किसके ट्रीटमेंट में, अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कहां से निकल रहे हैं, हमें मेडिसिन हमें कहां से मिल रही है, तो बोलेंगे एनिमल से मिल रही है ना, तो मेडिसिनल यूज हो गया। थर्ड नंबर पर आता है कार्बिनिक एसिड। कार्बिनिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकिनियल, ठीक है, इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कफ एंड एज ए हेडेक मेडिसिन। अब एक मेडिसिन है जिसका नाम क्या है, कार्बिनिक एसिड। क्या नाम है, कार्बिनिक एसिड, जो कहां से निकलती है, एक ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है कोकिनियल। किससे निकलती है, कोकिनियल से, जिसका यूज करता है किसके अंदर, क्रोनिक कफ के अंदर और हेडेक के अंदर, सिर दर्द के अंदर, और जो तेज खांसी होती है ना, जो क्रोनिक कफ बोलते हैं उसको, उसके अंदर उसका यूज करता है मेडिसिन का। तो ये सारी मेडिसिन कहां से मिल रही है, अपने को एनिमल से मिल रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पर देखिए एज ए फूड, फूड के तौर पर भी हम कुछ एनिमल्स को यूज करते हैं, जैसे सम नॉन वेजिटेरियन पीपल यूज फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक एंड फिशेस इन देयर फूड, ठीक है, ये तो चाइना के अंदर काफी चलता है। तो ये सब नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि एनिमल्स को हम फूड के तौर पर भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। फाइव नंबर देखिए पॉलिनेशन इन प्लांट्स, ये बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, पॉलिनेशन के अंदर, इन फ्लावरिंग प्लांट्स फर्टिलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड फॉर फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन इज एसेंशियल। मैनी इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, आंट्स, हनीबी, हाउस फ्लाई एटसेट्रा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन एज दे फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाएगी तो वहां से मेल गैमेट उसको भी साथ लेकर चली जाएगी और दूसरे फ्लावर पर छोड़ देगी।
तो इस तरह से होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के अंदर भी जो मेन जो रोल है वो किसका होता है, इंसेक्ट का होता है। मेन रोल किसका है, इंसेक्ट का। 80% काम कौन करता है, इंसेक्ट करता है। तो ये हो गए आपके चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको नाम ध्यान में होना चाहिए। नाम के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी साइंटिफिक नेम के अंदर, बाकी कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। तो ये हो गया चैप्टर एंड। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो इस साल लीक आपके बोर्ड के पेपर के अंदर आए हैं, तो उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कैसे क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास पेपर है तो पेपर देख लीजिएगा। ये देखिए पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर फाइव 2019 का जो पेपर है साइंस का, उसका क्वेश्चन नंबर फाइव वो इस चैप्टर से है। क्या है देखिए, विच इज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान राइट्स इट्स साइंटिफिक नेम, ठीक है। आपको बताना है कि राजस्थान का स्टेट ट्री कौन है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये तो अपने को कल डिस्कस किया था, सॉरी परसों डिस्कस किया था ना। देखो पेज नंबर ये 160 पर है, 160 पर देखो खेजरी ट्री को क्या बोलते हैं, स्टेट ट्री बोलते हैं। मैंने उस टाइम बताया था स्टेट ट्री खेजरी ट्री राजस्थान का है ना, स्टेट ट्री बोलते हैं खेजरी को, क्लियर। इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया, क्या हो जाएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये एक नंबर का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी चैप्टर से है, क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ कोरल इज फॉर्मड फ्रॉम विच केमिकल सब्सटेंस। जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो बाहर वाला जो शरीर होता है कोरल का, वो किससे बना होता है, कौन से सब्सटेंस से बना होता है, कौन सा केमिकल से बना होता है। तो ये तो आज ही पढ़ा है, ठीक है। पेज नंबर 163 पर कोरल एंड कोरल रीफ्स, किस एक ही फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का बना होता है। तो ये लिखना था आपको इसके अंदर, ठीक है। ये भी एक नंबर का ही क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी चैप्टर से है। 22 के अंदर क्या है, डिफाइन, इसके अंदर फोर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब फोर पार्ट कर रखे हैं 22 के। फर्स्ट पार्ट के अंदर है डिफाइन फ्रूट, कि फ्रूट को डिफाइन करो, तो ये भी बता चुका हूं। ये देखिए आप पेज नंबर फ्रूट वाला ये लिया, या पेज नंबर 158 के नीचे देखिए फ्रूट लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑब्टेंड बाय द फर्टिलाइजेशन इन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आया था, एक नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर सेकंड पार्ट है इसका, राइट एन एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का आपको एग्जांपल लिखना था, जिसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे चावल बाजरा मक्का, ठीक है, इनमें से आपको एक एग्जांपल लिखना था। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट है इसका, विच प्लांट्स इज नोन एज ए किंग ऑफ पल्सेस। किंग ऑफ पल्सेस किसको बोलते हैं, ग्रैम को, है ना। तो बताया था ना, देखो पेज नंबर 157 इसमें लिखा हुआ होगा, देखो रबी क्रॉप, इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ पल्सेस लिखा हुआ है। तो वहां से ये क्वेश्चन आया, तो विच प्लांट्स इज नोन एज किंग ऑफ पल्सेस एंड राइट्स इज साइंटिफिक नेम, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो साइंटिफिक नेम आपको याद होगा तो आप लिख पाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं लिख पाओगे। तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, वो हो जाएगा साइसर एरिटिनम, ग्रेम का, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट इसका है, राइट द नेम ऑफ एनी वन इंसेक्ट विच एक्ट एज स्केवेंजर, ठीक है। कोई भी एक नाम लिखो जो स्केवेंजर की तरह एक्ट करता हो, तो क्या हो जाएगा, टर्माइट हो जाएगा, ठीक है, दीमक, कॉकरोच, तो ये सारे हो जाएंगे स्केवेंजर, आज ही पढ़े है ना। तो ये क्वेश्चन आए, तीन क्वेश्चन आए थे और टोटल नंबर हो गए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो 5 नंबर क्वेश्चन था, जो एक नंबर का था, 6 नंबर क्वेश्चन भी एक नंबर का था, और जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो 4 नंबर का था, जिसमें 4 पार्ट थे एक एक नंबर के। तो टोटल कितना हो गया, 4 and 2 6 नंबर का है आपके क्वेश्चन आए थे इस साल 2019 के अंदर इस चैप्टर से, 6 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। और एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ आपको ना तो लिखना है, ना ही कुछ ज्यादा कुछ आपको याद करना है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। अब आप देख लीजिए आपको नेम है वो याद करने के नहीं करने, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि नाम पूछे जा रहे हैं इसमें। एक तो बता दिया मैंने, फिल्म का नाम भी आया था, तो वो तो मैं चलो मान लेता हूँ कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से आया हुआ होगा, कि अफीम का साइंटिफिक नेम भी पूछा गया है, ठीक है। तो वो तो मान लीजिए चैप्टर नंबर फर्स्ट से आया हुआ हो सकता है, लेकिन बाकी तो इसमें से ही है। अगर उसको भी इसमें कंसिडर करें तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 7 नंबर के, 7 मार्क्स के आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा आप, थोड़े बहुत तो नाम आपको याद करने पड़ेंगे अगर नंबर चाहिए तो, और नंबर नहीं चाहिए तो फिर तो पूरा चैप्टर ही छोड़ दो, ठीक है। बाकी तो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, आंसर बता दूंगा।
ठीक है। और इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा एक बार, कुछ भी कोई क्वेश्चन के अंदर दिक्कत हो, किसी का आंसर ना मिल रहा हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखे तो नहीं है अभी तक, आप देख लीजिएगा एक बार, रीड कर लीजिएगा। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। आराम से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।